ओके, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी नहीं तो उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। या दैट्स नॉट इश्यू, अगर कुछ जरूरत पड़े तो आप मुझे दोबारा कॉल कर लेना। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मुन्नी अब तक बेहोश है और हम अब सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ हैं वो नहीं पता, क्योंकि ये तो यही बात कर रहे थे कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले या इसे यहाँ से भगा ले चले, तभी भाई से बच पाएंगे। एक मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अरे तुम पागल हो गई हो, तुम ये कैसे करोगी? ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उसे मार दूंगी तनु, दिमाग खराब कर दिया है, बस चला तो अंदर काट दूंगी उसे, तुम बस देखती जाओ। ये मुन्नी की लैंग्वेज क्यों बोलने लगी? अंदर बहुत बड़ा घमासार होने वाला है। डॉक्टर ने कहा है डरने वाली कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस बस अब सब कुछ तुम पे है, तुम बस जल्दी से उठ जाओ, बहुत बातें करनी है तुमसे, बहुत कुछ बताना है, और फिर तुमसे भी तो पूछना है कि तुम थी कहाँ इतने दिन, कैसे रही मेरे बिना? मैं नहीं था तो किसका सिर खा रही थी तुम, किसे तंग कर रही थी? मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, एक तो सपना भी ऐसे आया जिसमें तुम मुझे तंग कर रही थी, मैं सोच ही रहा था कि ये सपना कब पूरा होगा, और देखो तुम मुझे तंग करने आ गई अपने घर अपने कमरे में। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 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 इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।
और तुम ठीक हो। हैंगओवर तुम्हें होश आ गया? आओ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तुम उठ क्यों रही हो? तुम लेटी रहो ना। हम कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? हम अपने घर पर हैं, हमारे कमरे में हम। हे प्रज्ञा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितना खुश हूं कि तुम्हें होश आ गया है। तुम ठीक हो, तुम वापस आ गई। तुम जानती हो कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे। तरस गया था मैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। एक दिन नहीं गया जब मैंने उस दिन को नहीं कोसा जब मुझ पर चलने वाली गोली को तुमने अपने ऊपर ले लिया। कहा था ना तुम्हें कि मेरे पीछे रहना, लेकिन तुम बात कहां मानती हो? बताइए, कितना गुस्सा था मैं। इतना गुस्सा कि मुझे पता नहीं था कि जब तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा करूंगा या प्यार। लेकिन नतीजा तो तुम्हारे सामने, तुम सामने होगी तो गुस्सा कैसे कर पाऊंगा? बस प्यार ही करूंगा ना। ए फुगी, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। आज सुबह की शुरुआत ना तुम्हें याद करके होती थी और रात को बस तुम्हारी तस्वीर से बातें करता था मैं। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी यादों के सारे जीरत, अगर तुम्हें भूल जाता तो मैं कैसे जीता? लव यू थैंक गॉड, तुम वापस आ गई। क्यों मरवाने वाले काम कर रही हो? आई मीन, तुम्हें पता है ना अभी ने क्या कहा है कि इस घर के आसपास भी मत दिखना। अगर उसने देख लिया तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर भी उसने देख लिया तो हम तनु चुप रहो यार, तुम इसे बड़बड़ करती रही तो जरूर किसी ना किसी को पता चल जाएगा। क्या तुम चुपचाप बैठी रहो और मुझे सोचने दो कि घर के अंदर कैसे जाना। के अंदर जाना तो इट्स लाइक केक वॉक फॉर मी। तनु, कंपार्टमेंट खोलो, घर की चाबी अभी भी मेरे पास है, सो आई कैन गो इनसाइड। आलिया, ये घर तुम्हारे लिए चक्रव्यूह है, अंदर जाना इजी है लेकिन बाहर आना उतना ही मुश्किल है। आलिया प्लीज समझो। तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि मैं वहां पर उस मुन्नी को होश में आने दूं और भाई को सब कुछ बताने दूं? Don't you realize कि अगर उसने मुंह खोल दिया ना तनु, तो घर से बाहर निकलना तो पॉसिबल होगा लेकिन जेल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। Oh my God, जेल नहीं जाना मुझे। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। नहीं जाना ना? नहीं। तो चुपचाप बैठी रहो और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। प्लान के हिसाब से जैसे ही लाइट ऑफ होगी हम अंदर जाएंगे। चाबी निकालो। देखो सुनो, तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तुम बोल क्यों रही हो? ठीक से बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, तुम बस आराम करो, कुछ नहीं बोलोगी तुम जो समझ रहे हो वो हम है ना ही, वो अलग है, हम अलग हैं। देखो तुम्हारे लिए जो गोली खाई थी वो कोई और थी, वो पिरग्या थी। हम पिरग्या ना ही हैं, समझे? जो तुम्हारी जान बचाए वो कोई और थी, हम ना ही हैं वो, हम पिरग्या ना ही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बोले जा रही हो? तुम लेट जाओ, तुम आराम करो, आराम करो, आराम से, आराम से। अभी प्रज्ञा से क्यों कह रही है कि वो प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा ना ही है,
नहीं है, हम फिर गया। तुझे कुछ नहीं पता, मैं डॉक्टर को फोन करके पूछता हूँ। मिस्टर शर्मा के रिपोर्ट आए क्या? हाँ बोलिए मिस्टर मेहरा, होश आ गया प्रज्ञा को? प्रज्ञा जिसको अभी आपने चेक किया था ना? हाँ मैंने उसे चेक किया, she is fine। होश आ गया प्रज्ञा को? हाँ उसे होश तो आ गया, लेकिन लेकिन क्या मिस्टर मेहरा? डॉक्टर वो अजीब सी बातें कर रही है, वो कह रही कि वो प्रज्ञा नहीं है। ओह दैट्स ओके मिस्टर मेहरा, आपने बताया था ना उसे सर पे चोट लगी है, हो जाता है, चोट लगने के काफी टाइम के बाद भी लोग माइनस शॉक में रहते हैं, आप उन्हें बस रेस्ट करने दीजिए, वो जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी उस शॉक से निकल पाएंगी। यू नो शी इज ऑल राइट, डोंट वरी, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर कह रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सर पर चोट लगने की वजह से शायद ये सब भूल रही है, बस आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। वो ठीक तो हो जाएगी जी, वो ठीक हो जाएंगी, बस सुबह तक का इंतजार करते ना, एक बार आराम कर ले उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी वो ठीक हो जाएगी ना जी, प्रज्ञा लौट कर आई ना हमारी जिंदगी में, वो भी तब जब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, इतनी बड़ी खुशी मिली हमें, हम इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो, कैसे ठीक नहीं होगी? अगर ठीक नहीं होगी तो मैं ठीक करूंगा, ऐसा डोज दूंगा ना इसे कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रही है? देखो प्रज्ञा सो रही है ना, बस आप भी थक गई होंगी, आप भी जाकर सो जाइए ना प्लीज। हाँ मुझे चलना चाहिए, वो पीजी घर पे अकेले होगी ना, घबरा रही होगी। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, आपको छोड़ देंगे। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कमाल है आप, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? हर बात को पहले ना बोलते हैं फिर हाँ, प्रज्ञा भी यही करती और आप भी। ड्राइवर आपको छोड़ कर आएगा ठीक है? वरना इसी तरह रोती रही तो होश आ जाएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो? अच्छा हूँ। बच्चे सब ठीक है? सब आपकी दुआ है। चलो तुम काम करो। जी चलो, अब तो प्रज्ञा की अम्मा भी चली गई, आई थिंक सब सो गए होंगे, चले अंदर। नो वेट, कुछ लाइट्स अभी भी ऑन है, इसका मतलब है कुछ लोग अभी भी सोए नहीं आता ना, एक बार जब सब लाइट्स ऑफ हो जाएंगे ना तब अंदर जाएंगे। पाली तुम्हें तो सब पता है। ऑफ कोर्स डर, मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। कहीं मेरा पैसा तो नहीं गिरा? देखता हूं। रोज रात को तुम्हें बंद आंखों से देखता था, आज खुली आंखों से देख रहा हूं। नींद तब भी नहीं आती थी, नींद अब भी नहीं आ रही। बस एक बात कहूं, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें।
तुम्हें याद है अलग होने से पहले हमने जो जो बातें की थी, याद है ना तुम्हें? वो सब पूरी हो गई है। याद है तुम्हें वो रात? क्या कर रहे हैं आप? ये ना? अरे हटिया, मतलब शादी हुई हमारी, दूर रहने के लिए थोड़ी ना शादी किया मैंने। अरे लेकिन किसी और का था, मुझे अजीब लग रहा है। ये तुम लड़कियों के नखरे बहुत होते, भले पति के पास आने से अच्छा लगता हो लेकिन बोलोगी कि मुझे अजीब लग रहा है, अभी मूड नहीं है, ये वो टू टैं टैं टैं। देखा, तुम हर सही हो, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, है ना? जी नहीं, आप सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातें भी सही तो होती है ना, क्योंकि उसमें पति का दर्द और उनका एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, बीवियों की भी बहुत सारी बातें होती है, मैं सुना? किसी और दिन सुना लेना, क्योंकि आज तो मेरा दिन है, हमारी शादी हुई है, पति हूँ मैं तुम्हारा, जो मन में आएगा ना वही करूंगा मैं। जी नहीं, आपको मेरी परमिशन की जरूरत है। शादी करते वक्त वो वचन लिए थे ना तुमने, तुम्हारा वो वचन कि मैं जो कहूंगा तुम मेरे कहे पर चलोगी, उसका क्या हुआ? तू बोली, आप जहाँ कहेंगे मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन रोमांस नहीं करने तुम। अरे वो प्यार ही क्या जिसमें रोमांस ना हो। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। देखो ये भी ना सुनी सुनाई बात है, ये सब्र करने वाले से पूछो कि जो सब्र का फल होता है वो कितना बेस्वाद होता है, पर मुझे नहीं खाना वो सब फल, मुझे तो शादी का लड्डू खाना है। अरे अभी कुछ नहीं बोला ना। क्यों, तुम डर रही हो क्या? मैं डरती वरती नहीं हूँ। बोलते हो सिर्फ, जैसे कभी डर ही नहीं। मुझे कभी डर नहीं लगता, कभी कभी मुझे डरना पड़ता है ताकि आपकी मेल ईगो हर्ट ना हो। और वो मंदिर में जो गुंडे आए थे और जब वो हम पर गोली चलाने लगे थे तब भी नहीं डरी थी तुम? बिल्कुल नहीं। मुझसे जुदा होने से भी नहीं डरती हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जुदा होने से वो लोग डरते हैं जिन्हें लगता है वो जुदा हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं, बस मेरा विश्वास है मेरे कुमकुम पे। देखने को तो ये बस चुक्की भर लाल रंग है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें पति और पत्नी दोनों के भाग्य जुड़े होते हैं, इसलिए पहले तो हमारा प्यार ही हमें अलग नहीं होने देगा। और अलग हो भी गए, इस कुमकुम का भाग्य है ना हमारे मिलने के सारे रास्ते खोल देगा। और हमारी तो दो बार शादी हुई है, तो दो जन्म तक का साथ तो पक्का है ना? सात जन्म का, ये कुमकुम हमें सात जन्म तक एक साथ रखेगा, इसलिए मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कहां से मिलती, तुम्हारे यकीन को देखकर ना मुझे भी विश्वास हो गया कि अब हमें तो कोई अटक ही नहीं कर सकता। और अगर हम अलग हो भी गए ना तो तुम अपने कुमकुम भाग्य के सहारे मुझे ढूंढ लेना, मैं जहां पर भी रहूंगा तुम्हारा वेट करूंगा, इस जन्म में या उस जन्म में या फिर उस जन्म में या फिर सात जन्म तक। प्रॉमिस। जैसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को, हंसना प्यारो ना हो मुझे पागल, सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल, मुझसे मोहब्बत हो ना हो कल, मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी। मेरा यकीन तुम्हारे विश्वास से जुड़ा था, इसलिए आज तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर का फोन इस वक्त, प्रज्ञा के बारे में ही कुछ कहना होगा। हेलो। या मिस्टर अभी, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है
तो एक मेडिसिन पूरा आपको केमिस्ट के यहाँ नहीं मिल रही थी, वो मेरे क्लिनिक पर है, या तो आप कल आकर ले जाइए या फिर कहें तो मैं घर पे डिलीवरी करवा देती हूँ, जैसा आप बोले। ठीक है डॉक्टर, मैं एक काम करता हूँ, मैं आकर ले लेता हूँ, वरना क्या कि डोज मिस हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वाकई आप नर्स से अच्छी केयर कर रहे हैं। आप आ जाइए, मैं वेट करती हूँ। ओके थैंक यू डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। मुझे प्रज्ञा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दादी को बोल देता हूँ कि मेरे आने तक वो इनके साथ रहे।